गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रजनी मिंज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू, भाग्य, जिसका शीर्षक है भाग्य के भरोसे। इस पार्ट का मैं थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति कर्म अर्थात परिश्रम में विश्वास करते हैं, उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है। जो लोग सोचते हैं कि आपके साथ वही होता है जो मेरे भाग्य में लिखा होता है, लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा काम करते हैं, वैसा ही आपका भाग्य बन जाता है। इस कहानी में इसी विषय के बारे में बताया गया है। इस पाठ में कहा गया है कि जो लोग समय रहते सावधान हो जाते हैं तथा भाग्य पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें ही सफलता मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भाग्य पर विश्वास करते हैं और वे सोचते हैं कि अगर मेरे भाग्य में है तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसे लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती है। लेखक इस पाठ में समय, परिश्रम तथा भाग्य को हीरा, सुनिधि और पारो मछली के द्वारा समझाना चाहते हैं। आपका गृह कार्य है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और इसका मौखिक कौशल है, मौखिक कौशल के अंतर्गत जो प्रश्न है उसको अपनी कॉपी में लिखिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो ये देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारत के संविधान की रचना की है, ये एक विशेष व्यक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल है ऋग्वेद, यह भारत का सबसे पहला वेद है, यह एक विशेष वस्तु है। आगे देखते हैं ताजमहल, यह एक निश्चित स्थान में स्थित है। दूसरा वेद है जातिवाचक संज्ञा, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रीता किताब पढ़ रही है, इस वाक्य में किसी किताब का नाम नहीं लिखा गया है, अर्थात कोई भी किताब हो सकती है। तो यहाँ पे किताब की पूरी जाति का बोध हो रहा है। आगे हम देखेंगे, आज हम फल खाएंगे, इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिखाया, यहाँ फलों के समूह की या फिर फलों की जाति की बात कही जा रही है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो भेद आते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनका नाप तौल किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, दूध, लकड़ी आदि। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सेना, जनता आदि। ये सारे उदाहरण एक समूह का बोध करा रहे हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, बुढ़ापा, सफलता आदि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु ना तो हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही हम स्पर्श कर सकते हैं। आगे आपका गृह कार्य, पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीसरा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चौथा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे।